हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास सेकंड हिंदी के सिलेबस। हिंदी एंड हिंदी व्याकरण दोनों के सिलेबस आप यहाँ पर देखेंगे और उसको मैं एक्सप्लेन भी करते जाऊँगी कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस बच्चों से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला बुक इनकी आती है, दो बुक चलती है हिंदी में, एक हिंदी टेक्स्ट बुक और दूसरा हिंदी व्याकरण। हिंदी टेक्स्ट बुक के अंतर्गत इनकी रिमझिम बुक चलती है जिसमें इन्हें कहानी और कविताएं रहती हैं, जो करीब ये चैप्टर्स आप देख पा रहे हैं। करीब 15 चैप्टर तक इनके रिमझिम में चैप्टर्स होते हैं जिसमें इन्हें कविताएं और कहानियां पढ़ाई जाती हैं, और उस चैप्टर से रिलेटेड उनके क्वेश्चंस चैप्टर्स में जो अभ्यास में रहते हैं वो उनसे करवाए जाते हैं। इसके अंतर्गत चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस इनमें रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऊंट चला से संबंधित जो है इन्हें कठिन शब्द करवाए जाते हैं। चैप्टर से रिलेटेड कहानी से रिलेटेड उनके क्वेश्चंस रहते हैं अभ्यास के लास्ट में, उन्हें उसे करवाए जाते हैं जिसमें उन्हें फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं, कठिन शब्द रहते हैं, एक एक शब्द के उत्तर लिखने होते हैं, और खेल खेल में कुछ क्वेश्चंस उनसे करवाए जाते हैं जिससे कि वह चैप्टर जो है अच्छे से बच्चे समझ जाए। पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप इस तरह के क्वेश्चंस भी उनसे टिक करवाए जाते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण की सिलेबस। हिंदी व्याकरण में मैंने मृदुल हिंदी व्याकरण एक सीबीएसई बुक की एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बुक है जिसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए देखिए, इसमें हिंदी व्याकरण में सबसे पहले इन्हें चैप्टर 1 भाषा का ज्ञान करवाया जाता है। इसके अंतर्गत इन्हें भाषा बताई जाती है कि भाषा क्या होता है और भाषा के कितने रूप होते हैं। तो इसमें भाषा के दो रूप बताए गए हैं, मौखिक और लिखित। फिर इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाते हैं, जैसे भाषा किस काम आती है, आप घर में कौन सी भाषा बोलते हैं, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाएं, चित्र देखकर भाषा के उचित रूप पर सही का चिन्ह लगाएं। इस प्रकार इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हो जाता है वर्ण एवं वर्णमाला। वैसे तो बच्चों को क्लास फर्स्ट में भी वर्ण एंड वर्णमाला पढ़ाए जा चुके होते हैं, लेकिन वापस क्लास सेकेंड में इन्हें रिवीजन करवाया जाता है। स्वर और व्यंजन वर्ण इन्हें बताया जाता है। स्वर हिंदी भाषा के 11 स्वर होते हैं, अ से अह तक, और व्यंजन में 33 होते हैं जो क से क्षत्र ज्ञ तक होते हैं। इन्हें इसको लिखना और पढ़ना अच्छी तरह से करवाया जाता है, और फिर इससे रिलेटेड इनके चैप्टर्स में क्वेश्चंस होते हैं जो करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस चैप्टर से रिलेटेड इन्हें अभ्यास में चित्र को पहचान कर उसके नाम का पहला वर्ण लिखें। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चंस हो जाते हैं इस चैप्टर में, नीचे एक घरे में कुछ स्वर और कुछ व्यंजन हैं, इसे अलग अलग करके अलग अलग लिखना है। जैसे इस प्रकार बच्चे स्वर और व्यंजन दोनों को अलग अलग करके इसमें से छाँट कर लिखते हैं। चैप्टर 3 हो जाता है मात्राएँ। स्वर और व्यंजन के मेल से मात्राएं बनती हैं, जैसे मात्राएं आ जाती है, ये अ से अह तक की मात्राएं हैं। स्वर ए व्यंजन का मेल होता है, जैसे क कय के ल आ ला, इस तरह इन्हें मात्रा जोड़कर लिखना सिखाया जाता है। इस चैप्टर में इन्हें अभ्यास करवाया जाता है, चित्र को देखिए और चित्र मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। जैसे चित्र दिए गए इनमें मात्रा नहीं लगी होती, बच्चों को मात्रा लगाने के लिए कहा जाता है। इसी प्रकार अनुस्वार और अनुनासिक लगाकर शब्द को पूरा करना बताया जाता है। नेक्स्ट इस प्रकार के अभ्यास करवाए जाते हैं, वर्णों के उचित स्थान पर मात्रा लगाइए। ए की मात्रा इसमें लगाना है, इसमें आ की मात्रा लगाना है, ओ की मात्रा लगाएँ, ओ की मात्रा लगाएँ, इस प्रकार इनसे प्रैक्टिस करवाई जाती है। साथ ही इस चैप्टर में इन्हें 12 खरी भी सिखाया जाता है।
नेक्स्ट चैप्टर 4 आओ शब्द बनाएं। इस चैप्टर के अंतर्गत उन्हें छोटे छोटे शब्द बनाना सिखाया जाता है, जैसे फ ल फल, पे र पेर। इस प्रकार मात्राएं मिलाकर ये शब्द बनाना सीखते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हो जाते हैं। नीचे दिए गए वर्णों को सही क्रम में जोड़कर चित्रों के नाम लिखें। जैसे ये वर्ण आगे पीछे लिखा रहता है, इसको सही करके इस चित्र के नाम लिखने होते हैं। नेक्स्ट इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे नमक, न लिखा हुआ म को लगा के बच्चे बनाते हैं। चित्र देखकर मात्राओं को मिलाकर शब्द बनाना होता है। वर्णों को जोड़कर शब्द बनाएं, जैसे ये शब्द लिखे रहते हैं बादल बादल, इस तरह जोड़कर उन्हें लिखना होता है। इसी प्रकार इसमें इस प्रकार के भी क्वेश्चंस बच्चों से करवाए जाते हैं। चित्र देखकर उसका नाम लिखें। चित्र दिया रहता है और बच्चे इनका नाम लिखते हैं। मेज और मेज, ये क्या हो गया, रेल गाड़ी। ये चित्र देखकर बच्चे खुद लिखना सीखते हैं। इसी में कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार के उन्हें अभ्यास करवाए जाते हैं। जैसे दिए गए संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करके शब्द बनाए, जैसे च छ से क्या शब्द बनेगा, औ दिया रहता है और इसको मिलाकर बच्चे शब्द बनाते हैं। अच्छा वी और दय दिया रहता है, तो इसको मिलाकर शब्द बनाना है विद्या। नेक्स्ट चैप्टर हो जाता है नंबर 5। इसके अंतर्गत बच्चे संज्ञा सीखते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जो कि बच्चे पहले भी क्लास फर्स्ट में सीख चुके हैं। वापस उन्हें प्रैक्टिस करवाई जाती है। जैसे फलों के नाम, फूलों के नाम, पक्षियों के नाम, पशुओं के नाम, ये भी इन्हें करवाए जाते हैं। इसके साथ इन्हें संज्ञा बताया जाता है। इसी चैप्टर के अंतर्गत इन्हें दिनों के नाम याद करवाए जाते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। इसी प्रकार महीनों के नाम, पहाड़ों के नाम, नदियों के नाम, इस तरह ये भी इन्हें याद करवाया जाता है। और संज्ञा से रिलेटेड अभ्यास करवाए जाते हैं, जैसे चित्र देखकर व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नामों को अलग अलग भाव में करना होता है। जैसे व्यक्ति कौन कौन सा हो गया चित्र के अंतर्गत, वस्तु कौन कौन सी है इसमें, स्थान कौन कौन सा है, इस तरह अलग अलग छाँट कर इन्हें करना होता है। नेक्स्ट इसी के अंतर्गत इन्हें अभ्यास करवाया जाता है कोष्टक में सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान को भरें। जैसे दिसंबर के बाद नवंबर या जनवरी, क्या आता है, जनवरी आता है। इस तरह के क्वेश्चंस उनसे करवाए जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हो जाता है चैप्टर 6 लिंग। लिंग इन्हें बताया जाता है। लिंग के अंतर्गत 2 भाग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से पुरुष जाति का ज्ञान होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जिन शब्दों से स्त्री जाति का ज्ञान होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे शेरनी, दादी जी, अध्यापिका। तो इस प्रकार इन्हें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग याद करवाए जाते हैं। मोर, मोरनी, चूहा, चूहिया, इस प्रकार इन्हें याद करवाए जाते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड अभ्यास इन्हें करवाए जाते हैं। पुल्लिंग शब्दों का उचित स्त्रीलिंग शब्दों से मिलान करवाना, फिर नीचे दिए गए शब्दों का उनके उचित लिंग से मिलान करना। एक चित्र के साथ हो जाता है और एक डायरेक्ट लिख कर इन्हें मिलान करवाना सिखाया जाता है। फिर पेड़ में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें तोड़ कर उचित शीर्षक नीचे लिखे, जैसे पुल्लिंग में क्या हो गया, मोर, आदमी, ये पेड़ में दिए गए हैं। इसके अंतर्गत इन्हें बताया जाता है कि कौन स्त्रीलिंग है, कौन पुल्लिंग है, ये अलग अलग छाँट कर इस पेड़ में से अलग अलग बॉक्स में लिखना होता है। इस प्रकार इन्हें अभ्यास करवाया जाता है कि बच्चे अच्छी तरह से इस चैप्टर को समझ जाए। नेक्स्ट चैप्टर हो जाता है वचन, एक और अनेक, एक शब्द और बहुशब्द। ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे एक या अनेक शब्द का पता चलता है उसे हम एक वचन और बहुवचन कहते हैं। इन्हें बताया जाता है कि वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन जिसमें एक चीज़ें होती है, बहुवचन जिसमें एक से ज़्यादा होती है। जैसे केला केले, पतंग पतंगे, गुब्बारा गुब्बारे, इस प्रकार इन्हें प्रैक्टिस करवाई जाती है। बिल्ली बिल्लियाँ, और इस प्रकार इन्हें प्रैक्टिस करवाई जाती है। चित्र देखकर उनके बहुवचन लिखें। एक शब्द वाले गोलों में पीला और बहुवचन वाले शब्दों में हरा गोला करें। इस प्रकार बच्चे को ये इंटरेस्टिंग भी लगता है और अच्छे से याद हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है सर्वनाम। जो संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के अंतर्गत इन्हें इस प्रकार प्रैक्टिस करवाई जाती है।
ये शब्द जोड़कर इन्हें एक वाक्य बनाना होता है। जैसे मैं बाजार गया, ये शब्द वाक्य को पूरा करना होता है। आधा लिखा रहता है, आधा बच्चों से पूरा करवाया जाता है। इसी प्रकार ये तितली बना गया है और संज्ञा और सर्वनाम दिया गया। इसमें संज्ञा और सर्वनाम छाँट कर अलग अलग बच्चों से लिखने को कहा जाता है। इसमें कौन से संज्ञा हैं और कौन सर्वनाम है। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है विशेषण। विशेषण कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे धनी, थोरा, खट्टे, कच्चा, काला, ये सारे सर्वनाम हो जाते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड उन्हें प्रैक्टिस करवाई जाती है। जैसे नीचे दिए गए शब्दों संज्ञा को उनके उचित विशेषण के साथ मिलाएं। जैसे क्या हो गया, करवा, करेला। फिर इसी प्रकार उचित विशेषण शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरें। ये दो शब्द दिए रहते हैं, जैसे तोते का रंग हरा होता है। इस प्रकार इन्हें प्रैक्टिस करवाई जाती है। नेक्स्ट चैप्टर हो जाता है क्रिया। जैसे खेलना, कूदना, उठना, बैठना, ये सारे काम किसी न किसी काम के होने या करने के बारे में बता रहे हैं। ऐसे शब्द को हम क्रिया कहते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हो जाते हैं। चित्र देखकर वाक्य पूरा करना। घोड़ा दौड़ रहा है, रोहन दूध पी रहा है। इस प्रकार इन्हें चित्र देखकर छोटे छोटे क्रिया शब्द के द्वारा वाक्य को पूरा करना बताया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर 11 संख्या। इसके अंतर्गत उन्हें 30 तक हिंदी में संख्याएं सिखाई जाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह जो है 10 तक, फिर 11 से 20 और फिर 21 से 30 तक। इस प्रकार इन्हें यह शब्द लिखना और बोलना सिखाया जाता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 समानार्थी शब्द बताए जाते हैं। ऊपर दिए गए प्रत्येक वस्तु के दो दो शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसे शब्द समानार्थी या समानार्थ वाले शब्द कहलाते हैं। जैसे ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे दोस्त हैं। तो मित्र और दोस्त क्या हो गए, समान शब्द हो गए। इस तरह उन्हें कुछ समान शब्द बताए जाते हैं। आकाश, आसमान, बेटा, पुत्र। फिर इस चैप्टर से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो जाते हैं। चित्र में दिए गए समान अर्थ वाले शब्दों को समान रंगों से कलर करें। जैसे रोशनी, प्रकाश, सेम हो गया, सेम कलर से कलर किया गया। इसी प्रकार नीचे दिए गए चित्रों के दो दो नाम लिखें। चंद्रमा, चांद, ये चित्र दिए गए हैं, इनके दो दो नाम लिखने होते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को उसके समान अर्थ वाले शब्दों से उचित मिलान करें। फिर नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है चैप्टर 13 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हम भाषा को सुंदर रूप देने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर कई बार एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए जो चित्र बनाता है चित्रकार, जो खेती करता है किसान, तो इस प्रकार के शब्द भी उन्हें याद कराए जाते हैं। जो गाना गाता है गायक। इस चैप्टर से रिलेटेड अभ्यास। अनेक शब्दों के लिए सही शब्द चुनकर चिन्ह बजाएं। जो सदा सच बोलता है क्या हो जाएगा, सत्यवादी या ईमानदार। तो आंसर क्या हो गया, सत्यवादी। इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चंस इसमें करवाए जाते हैं। निम्नलिखित अनेक शब्दों के बदले एक शब्द लिखो। जो मिठाई बनाता है, मिठाई वाला। इस तरह इनके प्रैक्टिस करवाए जाते हैं। अनेक शब्दों के लिए सही एक शब्द मेल बनाइए। जो मांस खाता है, मांसाहारी, यानी मिलान करना। खाली स्थान भरें। जो डाक बांटता है, डाकिया। इस प्रकार के क्वेश्चंस के इन्हें इस चैप्टर के अंतर्गत अभ्यास कराए जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14 विलोम शब्द इन्हें बताया जाता है। जैसे दिन, रात, ठंडा, गर्म। इस प्रकार विलोम शब्द की इनके प्रैक्टिस करवाई जाती है। विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द। जैसे कठिन, सरल, जीत, हार। इस प्रकार के इनके क्वेश्चन वर्क पहेली से विलोम शब्द चुनकर लिखें। दिए गए शब्द के उचित विलोम शब्द पर सही निशान लगाएं। विलोम शब्दों को मिलाएं, मिलान करें। इस प्रकार इनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। नेक्स्ट चैप्टर 15 रचनात्मक कार्य। इसके अंतर्गत कहानी लेखन इन्हें सिखाया जाता है। चित्र बनाए रहते हैं और उसमें कहानी लिखा हुआ रहता है। छोटे छोटे शब्द लिखकर उन्हें कहानी कंप्लीट करना बताया जाता था। जैसे ये चित्र बने हुए हैं। एक चींटी थी, उसका नाम था चिंकी। एक बार उसे एक लड्डू देखा। उसने एक लड्डू देखा। इस प्रकार छोटे छोटे शब्द मिलाकर उन्हें कहानी कंप्लीट करना बताया जाता है।
फिर वाक्य रचना के अंतर्गत इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ चित्र बने रहते हैं और उसमें कुछ वाक्य बने रहते हैं, छोटे छोटे एक शब्द के लिए जगह छोड़ी रहती है और इस चित्र देखकर इसको कंप्लीट करना रहता है। जैसे शेर दहाड़ना, तो शेर दहाड़ता है। कोयल क्या कर रही है यहाँ पर, कुकना, कोयल कुकती है। इस प्रकार इन्हें चित्र देखकर शब्दों को मिलाकर वाक्य पूरे करने होते हैं। फिर नेक्स्ट इस प्रकार के भी क्वेश्चंस आते हैं, चित्र दिए रहते हैं और शब्द दिए रहते हैं। चित्र देखकर बच्चों को कहा जाता है इन शब्दों को लेकर छोटे छोटे वाक्य बनाएं। जैसे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, आज मैच है। इस प्रकार छोटे छोटे शब्द देखकर इन शब्दों से वाक्य बनाने होते हैं। फिर लास्ट ये चैप्टर रहता है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, पढ़ना और याद करना, ये भी उन्हें बताया जाता है। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय फूल कमल है और राष्ट्रीय फल आम है। इस प्रकार ये व्याकरण के सिलेबस कंप्लीट हो जाते हैं। तो आई होप इनसे आपको काफ़ी मदद मिलेगी और स्टार्टिंग से ही आप अपने बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। और साथ ही हमारे चैनल पर बने रहिए, मैं भी इन सभी चैप्टरों के चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट लेकर आती रहूँगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।